हेलो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और इस अवतार में उन्होंने अपने बालपन में बहुत सारी लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला जिसमें वह अपनी माँ को परेशान करते हैं का सजीव चित्रण सुमित्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता यह कदम का पेड़ में किया है। यह मैंने कक्षा 5वीं में पढ़ी थी और मुझे यह बहुत पसंद आई थी। आशा करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। इसे मैं आपके सामने पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ उतनी ठीक तो नहीं, पर कविता मुझे पसंद है, तो आप सुने। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि तुम मुझे बांसुरी, तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें सुनाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर मैं जब ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैला कर अम्मा वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती आंखें नीचे नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख में धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह हम खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। भगवान श्री कृष्ण।